हाय फ्रेंड, आप लोगों के सुबह सुबह एक अनबॉक्सिंग करने के लिए मैं पूरा रेडी हूँ और आप लोगों के साथ मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। अनबॉक्सिंग जो करने जा रहा हूँ ये एक SSD का, ये छोटा SSD लेकिन काम जो है बढ़िया काम करता है, ठीक है। ये जो SSD का कंपनी है ये ब्लू फेदर और इसका जो सीरीज़ है ये है ब्लू सीरीज़ का और इसमें जो होता है कि 2.5 इंच का साटा मिल जाता है और सुपर फास्ट SSD कि SSD जो होता है हार्ड डिस्क के बेहतर, मतलब हार्ड डिस्क अगर 1% फास्ट होता है तो मान के चलो वो वाला जो है 6 गुना स्पीड ज़्यादा आता है कि SSD में। कि ज़्यादातर लोग क्या करता है कि हार्ड डिस्क छोड़ दे रहा है, रिमूव कर दे रहा है और SSD को इनपुट कर रहा है, क्योंकि SSD में आपको हार्ड डिस्क की तुलना 6 गुना स्पीड ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो ये कितना है और कैसे इसको क्या क्या इसमें डिटेल्स है और क्या क्या कंपनी दे रहा है, आप लोग पूरा डिटेल्स देंगे, कितना साल वारंटी रहता है पूरा इस वीडियो में आप लोग देखेंगे। अगर मेरे चैनल पे नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर सब्सक्राइब किया है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, ठीक है। चलो देखते हैं, इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और आप लोग पूरा वीडियो देखो कि आपको कुछ समझ में आया, ठीक है। चलो हथियार और इसको मैं अभी अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ, तो इसमें तो अनबॉक्सिंग करने के लिए जगह है, ये जो सील है तो सील को थोड़ा सा कटिंग करूँगा तो पूरा क्लीन हो गया, ठीक है। तो अभी जो करूँगा इसको अनबॉक्सिंग और अंदर से क्या निकल रहा है आप देख सकते हो और क्वालिटी कैसा है वो भी आप लोगों को दिखाऊँगा। ये है डब्बा और ये है देखिए पिक्चर क्वालिटी जो है इसका थंबनेल, ये बहुत बढ़िया है। देखिए ये कलर जो है एकदम रेनबो टाइप का कलर है, ठीक है। और इसमें वारंटी वगैरह का जो सील होता है वो भी है, तो चलो रिमूव करते हैं। प्लास्टिक का कुछ प्रोटेक्शन है तो पूरा ही मैं इसको बाहर कर दिया हूँ। देखिए ये ब्लू फेदर का कंपनी का नाम है, ये 2.5 साटा 3 6 GB पर सेकेंड, जो यहाँ पे एक काम का चीज़ है, अगर कुछ डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो तो इसमें पर सेकेंड में आपका 6 GB का स्पीड दे सकता है, ठीक है। और क्या लिखा है, ये सॉलिड स्टेट ड्राइव, मतलब SSD का जो फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव। और इसमें जो मेमोरी है इसका जो साइज है स्ट्रॉन्ग इंस्टेंजर है जो है 128 GB का ये मेमोरी साइज है। और इसमें जो चलता है इसमें वोल्टेज जो पावर लगता है 5 वोल्ट और एम्पेयर जो है 1.5 एम्पेयर, मतलब 1.5 एम्पेयर में चलता है और वोल्ट जो लगता है 5 वोल्ट। आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पे कोई भी जगह यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि लैपटॉप में हो सकता है या डेस्कटॉप में नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब जगह यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे कुछ वर्कर दिया है और इसका नंबर भी दिया है और ये इसका सीरियल नंबर और मॉडल नंबर भी दिया है, ठीक है। और जो ये वेट जो है ये मान के चलो ये 25 ग्राम का होगा, 25 से 30 ग्राम का हो, इतना हैवी वेट नहीं है हार्ड डिस्क की तरह। और ये जो है ये आपको गिर जाएगा तब भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि ये चिप टाइप का होता है, ठीक है। कि हार्ड डिस्क अगर हाथ से गिर जाता है तो वो दिक्कत आ जाता है क्योंकि उसमें प्लेट रहता है मेटल का, तो गिर जाने से वो हार्ड डिस्क का प्रॉब्लम आ जाता है। और SSD जो है इसके कोई मेटल टाइप का कोई प्रोडक्ट नहीं रहता है, इसमें ओनली चिप रहता है, तो इसमें कितने का छोड़ दो ये अगर नीचे गिर के ये टूट जाए बॉडी तो तब भी इसका अंदर में इस आपका डेटा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये जो मेरा अनबॉक्सिंग है आपको कैसा लगा तो कमेंट करके बताना और वॉचिंग करने के धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो जाए, टेक केयर, गुड बाय।